वसुदेव गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेव सुतं देवं हंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति 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 हरिः। ॐ अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 राम। सादर प्रणाम।
नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सभी को नमस्कार। आज के इस सायं में हम मच्छरों के बीच में अपनी गीता की चर्चा हम आगे बढ़ाएं। समर्पण का विषय बोल रहे श्री कृष्ण, अर्जुन से कह रहे कि समर्पित कर दे तुम्हारे कर्मों को, मेरे प्रति समर्पित कर दो, मेरे लिए कर्म करो। मच्चित्त है, मेरे मनवाला बन जाओ। ऐसे बनोगे तो सर्व दुर्ग, तुम्हारे जितने अड़थल है, अड़चन है, उन सबको मैं पार करा दूंगा। अहंकार के विषय में बताया, अहंकार के वश में आकर निर्णय लिया और मेरे बात माना नहीं तो नाश होगा। और अहंकार का निर्णय तुम जब परवश होंगे, प्रकृति के वश में जाओगे, तो जो तुम करना नहीं चाहते वही करने में प्रकृति तुम्हें लगाएगी, ऐसा कहा। और अंत में कल कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये शेरजन तिष्ठति ब्राह्मयान सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। एक बड़े यंत्र के ऊपर हमें सबको बिठाकर ईश्वर उस यंत्र को घुमा रहा। हमें किसी भी प्रकार का अपने कर्म के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण है नहीं। जो वह चाहता है, जो उसकी योजना है, वही चलाता है। हमारे जितने अपने जो करण है ये उसके आज्ञा से चलते हैं। अपनी बुद्धि उनके उसके आज्ञा से कार्य करते हैं। जो भी घटना होता है उसके नियोजन से होता है। और यह नियंत्रण वह अपने हृदय के अंदर बैठे हुए करता है। सभी जीवों के हृदयों में वह वास करता है, ऐसा कल कहा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये शेरजन तिष्ठति ब्राह्मयान सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। जैसे कल चर्चा हुई, यह विषय बहुतों को मान्य नहीं। कहते हैं कि अपना स्वातंत्र है नहीं क्या, हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, हम इतने विवश हैं कि बस वही जो करेगा, जो कुछ है वही करेगा, हमारा फिर क्या अर्थ है जीवन में, हमारा सामर्थ्य का क्या अर्थ है। अरे तुम्हारा सामर्थ्य भी उसी ने दिया है, तुम्हारी बुद्धि उसी ने दिया है, तुम में कोई कवित्व है, तुम में कोई विशेष कला है, वह उसी ने दिया है, उसी के कृपा से प्राप्त है। तो वही निज नियोजन करेगा। और दूसरी बात, जो मैं करता वह जब जीवन में ठोकर खाता है बड़ा दुखी हो जाता, मन टूट जाता उसका, नैराश्य उसके अंदर भर जाता। और जो समर्पित है, बस कुछ नहीं स्वयं के लिए, वो तो पहले से गिरा हुआ है चरणों पर, तो उसके लिए जीवन के ठोकर उसे किसी भी प्रकार से उसके ऊपर दुष्प्रभाव करते नहीं, ये ठोकरों से वह बाधित होता नहीं। जो कुछ है वह ईश्वर का है, उसने दिया हुआ है। और यह मानो या न मानो यह सत्य है। हम सब बचपन में
रेलगाड़ी में जाते थे तो रेलगाड़ी के एक एक स्टेशन में 20 मिनट 15 मिनट रुकता, कोई हमको मिलने आता, कोई कॉफी चाय लाता और कोई नाश्ता लाता। रेलगाड़ी का तो 20 मिनट रुकना है, हम लोग छोटे बच्चे बस अपने को पहुंचना है अपने स्थान पर। ये बड़े लोग बात करते हैं तो हमको यह गाड़ी से जल्दी से छूटे ऐसी इच्छा होती, तो वह खिड़की को पकड़ के धक्का देते, चलो 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 कहते। यह अज्ञान है, बचपन का अज्ञान, क्योंकि रेल किस समय चलना चाहिए, एक स्टेशन से किस समय छूटना चाहिए, इसका नियोजन वहां रेल बोर्ड के सदस्य जो है वे लोग करते हैं, यांत्रिकी जो टीम है वह करता है। और रेल छूटे छूटने की अनुमति यह स्टेशन मास्टर देता है, वह कहीं तो भी एक कमरे में बैठा हुआ है। उस स्टेशन मास्टर आगे का जो स्टेशन है वहां के स्टेशन मास्टर से आया हुआ सिग्नल उस पर अपना निर्णय लेता है कि भाई, वह कहता है रेल पटरी साफ है, गाड़ियां कोई है ही नहीं, आप आपके स्टेशन से छोड़ सकते हो रेल को। तो ऐसा वहां से जब आता है सिग्नल तो फिर यह सिग्नल देता है, अनुमति देता है ट्रेन को निकलने में। फिर वहां गार्ड हरी झंडी और हरा दिया दिखाता है, फिर वह रेलवे का जो चलाने वाला चालक है वह चलाना प्रारंभ करता है, फिर ये चलने लगते हैं। तो इतने लोग जिन्होंने निर्णय किया है वे लोग नियोजन कर रहे हैं, वे निर्णय उनके आदेश के अनुसार ये चलने वाली गाड़ी है, परंतु तो हम बच्चे अज्ञान में उस खिड़की को धक्का देने से गाड़ी चलेगी और तेजी से चलेगी ऐसा हमको लगता है। यदि वहां नादानी है, बचपना है, तो हम जो बड़े जो हैं जो सोचते हैं कि अपना जीवन अपने हाथ में, मैं जैसे चाहूं चलाऊं, यह तो अज्ञानी है, बचपना है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं। और मैं ही करता हूं, मैं ही चलाता हूं, मेरे गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, ऐसा जो लोग सोचते हैं अहंकार के आधार पर, मोहवश होकर, उनको जबरदस्ती से किसी के सामने शरण होना पड़ता है। मैं जब ऋषिकेश हरिद्वार गया था तो वहां ट्रैफिक जाम हो गया, ऊपर से रेलवे लाइन था, नीचे से गाड़ियां जा रही, छोटा सा स्थान है नीचे में जो गुफा है रेलगाड़ी के पटरी के नीचे, तो एक बड़ी गाड़ी ट्रक लॉरी आई और एक ट्रक और छोटी गाड़ी जो सामान वाला गाड़ी है मालगाड़ी, ये दोनों आमने सामने आ गए, तो वह जो रास्ता था वह बंद हो गया। तो बंद हो गया तो इस ओर और उस ओर दो दो तीन तीन किलोमीटर तक गाड़ियां रुक गई रास्ते पर। सभी यदि अपने बाएं आधे बाएं बाएं जो रास्ता का जो आधा है बाएं ओर यदि रुकते तो यह कोई बड़ी बड़ा विषय नहीं, अपने अपने रास्ते से आराम से वह गुफा पार कर लेते और चले जाते। परंतु सबको लगता मैं या मेरी गाड़ी, मैं अपने गाड़ी का यजमान, मैं राजा, मेरा अधिकार, मैं गाड़ी मेरी चला रहा और मेरे हुक्म से मेरे आदेश से चलेगी। तो एक-एक आगे निकलते और पूरे रास्ता को वहां जैसे दोनों ओर से बंद कर देते। इधर से 100 गाड़ियां छोटे बाइक जो है दो दो चक्के वाले, उधर से 100-150 गाड़ियां, दोनों ओर से बंद हो जाते, पूर्ण रास्ता बाएं बाया आधा दहिना आधा। और इतना गोंधड़ मचता, किसी को धीरज है नहीं तो सब लोग हॉर्न बजाते, इतना बड़ा शोरगुल होता। फिर एक पुलिस वाला आता, एक 3 फीट लंबे लाठी को लेकर आता। पुलिस वाला कोई बड़ा अधिकार वाला नहीं, बड़ा पढ़ा लिखा नहीं, 3, 5, 8 क्लास का पढ़ा हुआ, जो छोटे से 3 फीट का एक लाठी लेकर आता और सबको मार मार के पीछे जाओ पीछे जाओ, और यहाँ इसको जबरदस्ती
उसके अधीन होना पड़ता, उसके बात सुनना पड़ता। यह जो मैं कह रहा था, मैं चलाता, मेरी गाड़ी है, मेरे अधिकार से चलेगा, मेरे निर्देशानुसार चलेगा, ऐसा जो अहंकार से सोचता था, उसको एक 3 फीट के लट्ठी के सामने समर्पण होना पड़ता। और यह समर्पण बड़ा दुखी होता है, अहंकार को यह बड़ा ठेस पहुंचाता है, परंतु यह करना ही पड़ता। हम उस पर लादा जाता है हमारे ऊपर यह समर्पण। उससे अच्छा यह होता कि हम साधारण स्थिति में समर्पित हो जाए, सरकार के नियमों के लिए समर्पित, उससे बड़ा जो है परमात्मा के लिए समर्पित, समर्पित हो जाए साधारण स्थिति में। वह परिस्थिति आने के बाद हमारे ऊपर जबरदस्ती से हम यदि समर्पित होते तो बड़े दुखी हो जाते। मेरे एक पहचान के परिवार में एक लड़की थी, उसने प्रेम विवाह किया, स्वयं अपना वर ढूंढा है, तो उसका दायित्व तो उस स्वयं को, माँ बाप का कोई दायित्व तो नहीं। वो चली गई अपने पति के साथ, फिर वहां नए घर में परिवार दूसरे स्थान पर चले गए, गुजरात में चले गए। वहां बड़ा भूकंप आया, इसके 10-15 वर्ष में 2 बच्चे हो गए थे, 12 साल का एक बच्चा था, 7-8 साल का एक बच्चा था, और घर ढस गया, जितनी कमाई थी सब गहने वहने सब अंदर चला गया, और पतिदेव भी मर गए। जो अपने परिवार से, माँ बाप से, भाई भाई से रूठ कर बाहर आ गई थी, 12 वर्षों बाद आज जबरदस्ती से उनके शरण में जाना पड़ा। यह जो शरण है परिस्थिति के विवश होकर, परिस्थिति के कारण, यह बड़ी दुखी अनुभव है। अहंकार के ऊपर जो लगता है फुंसी, अहंकार ही तो बड़ा फुंसी है, फोड़ा है, और जहां फोड़ा है वहां छोटे से कोई धागा लग जाते तो भी बड़ा दुख होता, छोटी सी सुई लग जाती तो बड़ा दुख दर्द होता, यही इनकी स्थिति है। इसीलिए वही चलाता है, उसके नियोजन के अनुसार है, ऐसा यदि श्रद्धा से, निष्ठा से, अंदर गहरे मन से मान लिया और समर्पित हो जाए तो आनंद ही आनंद है, ऐसा श्री कृष्ण का कहना है। अब अर्जुन से कह रहे, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसलिए उसके शरण में चले जाओ, तत्प्रसादात् उसके प्रसन्नता से, उसके अनुग्रह से तुम शाश्वत पद को प्राप्त करोगे, उसके चरण में चले जाओ, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। उसके चरण में शरण हो जाओ, चरण में शरण, चरण यानी पद्म पाद। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम या विमृशय तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार का एक परम ज्ञान, परम रहस्यमय ज्ञान मैं तुम्हें बताया, बिना कुछ बचा रखा, बिना सब कुछ बता दिया। अब जैसी तुम्हारे इच्छा है तुम चिंतन करो, और जैसी इच्छा है वैसा वर्तन करो, ऐसा कहते हैं। यहां कह रहे थे समर्पित हो जाओ, तमेव शरणं गच्छ, उसके शरण में जाओ, और अब कह रहे हैं तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसे करो। क्या है, जब मनुष्य को सीधा सीधा आग्रह से कोई आज्ञा दिया जाता तो उसका अहंकार उस आज्ञा को मानने की स्थिति में रहता नहीं, वह द्रोह करता। और मनुष्य अर्जुन तो अहंकारी है, वह किसी के सामने इतने आसानी से झुकता नहीं। उसने तो वहां फेंक दिया था
धनुष और कहा मैं नहीं युद्ध करता। तो अर्जुन के साथ बोल रहे श्री कृष्ण, ठीक है सुझाया, तमेव शरण गच्छ, उसी के शरण में जाओ, उसके अनुग्रह से तुम शाश्वत पद पाओगे। यद अहंकार आश्रित नयोत्से मन्यसे, यदि अहंकार के आधार पर तुम युद्ध नहीं करूंगा ऐसा तुमने सोचा, वह मिथ्या है, मिथ्या इच्छा व्यवसायस्ते, उसी कार्य में तुम युद्ध में जबरदस्ती से लगाए जाओगे प्रकृति के वश में आकर। ऐसा जिसको कहा कि भाई तुम अब समर्पित हो जाओ, शरण में जाओ, उसी अर्जुन से यहाँ कह रहे कि भाई विचार करो, चिंतन करो, और जो जैसा तुमको लगता है, जैसा लगता है वैसे करो। यह श्री कृष्ण की श्रेष्ठता है, उसने कभी आग्रह से यही करना है, यह मेरी आज्ञा है, यह मेरा निर्देश है, ऐसा कभी नहीं कहा। वह तो बस सुझाव देता है, पर उसकी ऐसी स्थिति थी कि वह सुझाव माना जाता। किसी के सुझाव उसके पदवी के आधार पर, उसके ज्ञान के आधार पर, उसके आयु के आधार पर माना नहीं जाता। उसकी जो सुझाव के पीछे जो वह व्यक्तिमत्व है, वह व्यक्तिमत्व के आधार पर वह माना जाता। हमारे देश में प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, सीधे साधे, सरल स्वभाव, बड़ा डंभा नहीं था, बहुत सौम्य स्वभाव के, दूसरों के ऊपर अपना आधिक्य जमाने वाले व्यक्ति नहीं थे, विनम्रता थी परंतु मन में दृढ़ता थी। तो पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में बस वे तो पाकिस्तान को ही जीत लेते थे, इतनी दृढ़ता थी। उस सरल स्वभाव के विनम्र व्यक्ति, साधा सीधा व्यक्ति, उसने जब अपने देश के जनता से एक विनती रखी, उत्तर भारत के लोगों से कहा कि सप्ताह में एक दिन चावल छोड़ दो, चावल की कमी है युद्ध के कारण, और दक्षिण भारत के जो भाई हैं उनके लिए चावल की आवश्यकता है, इसलिए आप लोग सप्ताह में एक दिन चावल छोड़ो। मैं ऐसे सैकड़ों परिवार जानता हूं, मैं स्वयं हमारे परिवार में 1965 में जब तक उन्होंने इस प्रकार कहा नहीं था रेडियो में आकर, तब तक हमारे घर में चावल ही चलता था। नागपुर में यहां से तमिलनाडु से जाकर लगभग 60-65 वर्ष हो गए थे, फिर भी हमारे घर में चावल चलता था, रोटियां कोई विशेष दिन में बनते थे। परंतु लाल बहादुर शास्त्री ने इस प्रकार कहने के बाद हमने तत्क्षण उसी दिन से हमने रोटी बनाना प्रारंभ किया। यह व्यक्तिमत्व का महत्व है, वह कैसा दिखता है, वह कैसे कितने आयु का है, वह कितना ऊंचा है, वह कितने दृढ़ ऐसे कठोर आवाज से आज्ञा देता है, वह कितना पढ़ा लिखा है, इसकी किसी की आवश्यकता नहीं। वह व्यक्तिमत्व का जो महत्व है उसके आधार पर वह कहता है तो उस देश सुनता है। श्री कृष्ण ने जब कहा हम लोग गोवर्धन की पूजा करें, इंद्र की पूजा नहीं, तो उस समय श्री कृष्ण कुछ 7 वर्ष के थे और गोकुल वृंदावन के सभी बड़े बड़े सभी ने उसके बाद माना और गोवर्धन की पूजा किया। अरे अपने पास का पर्वत है, उस वह अपने गायों के लिए वही चारा देता है, हमारे जल वहीं से आता है, हमके लिए हमारे लिए जीवन का स्रोत है, तो उस गोवर्धन का पूजा करें। इंद्र की पूजा तो ठीक है बाद में भी हो सकता है,
ऐसा सुझाव एक 7 साल के बच्चे से आता है और पूरे बड़े सब मानते हैं उस सुझाव को। तो सुझाव किसी व्यक्ति के आधार पर, उसके पद के आधार पर, उसके शिक्षण के आधार पर, उसके आयु के आधार पर होता नहीं। दूसरे एक यादव बैठे हुए थे राजस्थान, यहाँ सिंहासन पर, चारा चोर आजकल जेल में है। कोई बड़े पदवी से बैठने से कोई बड़ा होता नहीं, व्यक्तिमत्व से बड़ा होता है। ये तो केवल घोड़ा चलाता था, ड्राइवर था श्री कृष्ण कान्हा, परंतु तो इसके बात का इतना महत्व था, इसके बात का वजन था। वही प्रधानमंत्री, अगली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई, उसने अपना तानाशाही चलाया, इमरजेंसी की घोषणा किया तो देश ने उसका विरोध किया और उसको उसी के क्षेत्र में से हराया, रायबरेली से वह हरी और किसी जोकर राजनारायण के सामने हार गई। इसीलिए केवल ऊंचे पद पर बैठने से उसके शब्द को वजन आ जाता है, ऐसा नहीं होता। ऐसे श्री कृष्ण यहाँ कह रहे कि भाई तुम विचार करो और स्वयं अपने विचार के आधार पर जो तुम्हें ठीक लगता है वैसा करो। ऐसा कहते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया, बड़ा परम रहस्यमय विषय तुमको बताया मैंने, अशेष बताया, बाकी कुछ नहीं रखा। इसके पश्चात अब तुम चिंतन करो, विचार करो और तुम्हें जो ठीक लगता है उसे करो। सर्वगुह्यतम भूय है श्रुणमे परम वच है इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अब मैं एक परम वचन तुम्हारे लिए मैं कहने वाला हूं, बस यह शिखर वचन है। गीता का परम रहस्य, परम शिखर का वचन है। इतने देर तक जो चला समर्पण समर्पण समर्पण, बस उसी का एक फॉर्मूला है। और इसके साथ गीता सीधे सीधे, जो गीता का जो उनका प्रवचन है वह समाप्त होने वाला है। यह उनके आखिरी शब्द है, अंतिम श्लोक है। ऐसा एक परम वचन तुम्हें मैं कहने वाला हूं, तुम मेरे इष्ट हो, इष्टोसि ततो वक्ष्यामि ते हितम्, तुम्हारे हित में मैं यह कह रहा। जैसे एक आजी दादी माँ अपने नाते को, नातू को उसके भलाई मन में रखते हुए कहानियां बताती, छोटे छोटे कहानियां बताती, बताते समय वह बच्चा उसके लिए प्यारा है और वह बच्चे के हित तो उसके दादी के मन में है। ये दोनों बात आवश्यक है, प्यार हो और हित से बताए। अपना कोई मित्र कहता है चलो भेलपुरी खाने जाएंगे, मैं खिलाता हूँ, तो उसमें हित, अपना हित है उसके मन में, यह कोई गारंटी है नहीं। और उसके मन में अपने लिए प्यार है, यह भी कोई गारंटी नहीं। वह जो कहना निमंत्रण है वह अहंकार के आधार पर भी हो सकता है। प्यार हो और भला हो, भलाई हो मन में। श्री कृष्ण जब दूत बनकर आए थे दुर्योधन के सभा में, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण चारों मिलकर श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करते हैं, बांधने का प्रयास करते हैं, परंतु विफल होते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण वहां विराट दर्शन दिखाते हैं और बड़े क्रोध के साथ, गुस्से के साथ कहकर आते हैं, अब तो तुम्हारे कुल के नाश का कोई रोक नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता इस कुल को। ऐसा पूर्ण कोप के साथ, गुस्से के साथ कह देते हैं और वहां से चल बसते हैं। युद्ध अनिवार्य है ऐसा कहकर वहां से चलते हैं। और उस समय दुर्योधन आता है और कहता है, मामा जी मैंने थाली सजा के रखा है, आप भोजन पाकर जाइए राजमहल में।
राजधानी के राजमहल में भोजन राजकुमार के साथ, 56 भोग। श्री कृष्ण कहते हैं भोजन यदि करना हो तो या दो दो बातें हैं, या तो तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम हो तो मैं तुम जो भी दोगे, जब भी दोगे मैं उसे स्वीकारूंगा और भोजन करूंगा, मैं कुछ सोचूंगा नहीं। अभी भोजन किया है, पेट भरा हुआ है, फिर भी तुम प्रेम के साथ मुझे देते हो तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। झूठे बेल को श्री राम ने लिया, बस प्रेम है, या तो फिर मुझे भूख है और तुम भूख मिटाने मुझे दे रहे। मुझे यदि भूख है तो जो भी जिसने भी दिया, जो भी मिला, मैं उसे स्वीकारूंगा। शरीर धर्म है, भूख मिटाने के लिए स्वीकार करूंगा। अब तो मुझे दोनों भी है नहीं, ना तो तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम है ना मेरे मुझे भूख है, इसलिए मैं स्वीकार नहीं करता, कहकर चले गए। और विदुर के कुटीर में जाते हैं और विदुर इतने भाव विभोर भाववश हो जाते हैं श्री कृष्ण के आगमन पर, राजमहल छोड़कर यहाँ अपने गरीब के कुटीर में आए, इतने भावुक हो जाते हैं और उनको खिलाते हैं केला का छिलका निकालकर, फल को टोकरी में डाल देते और छिलका इनके मुंह में खिलाते, आंखों में आंसू के साथ भाव विभोर होकर खिलाते हैं। और श्री कृष्ण खुशी के साथ, आनंद के साथ आंखें बंद करते हुए वह जो छिलका खिला रहा, उस छिलका को उसी को स्वीकार कर रहे। यह प्रेम का रहस्य है। तो वचन भी ऐसा, प्रेम हो इष्टो सी, तुम मेरे लिए प्रेम इष्ट हो, तुम इष्ट हो, मित्र हो, सखा हो, और तुम्हारे भलाई में मैं यह कह रहा, ऐसा एक परम वचन मैं कहने वाला, सुनो। ऐसा कहकर यह परम वचन कहने वाले हैं। हम उस परम वचन को, उसकी चर्चा, उसके अनुग्रह से, श्री कृष्ण के अनुग्रह से इस वचन के विषय में कल देखें, आने वाले कल उसकी चर्चा करें। आज के लिए हम यहाँ समाप्त करें, यही पर्याप्त। कल तक सभी को नमस्कार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।